अपने प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ड्रग फ्री इंडिया नशा मुक्त भारत का एक अभियान है और परिणाम देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में कुल 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ा था। मैं फिर से बोलता हूं, 2004 से 14 तक 1,52,000 किलो ड्रग और 14 से 24 तक 1,52,000 की जगह 5,43,600 किलो ड्रग्स पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 768 करोड़ रुपए के मूल्य के ड्रग पकड़े गए, 768 किलो, और इन नशीली दवाइयों को पकड़ने का अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया उसमें 768 करोड़ के सामने 10 ही साल में 27,600 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं सोचता था कितना बड़ा अंतर कैसे आया, कांग्रेस की सरकार भी कर रही थी, मोदी की सरकार भी कर रही है, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं, क्या अंतर आ गया। अंतर ये आया मित्रों, परसों जब ड्रग पकड़ा गया और ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष निकला। अब मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो वो भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, बना सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक समग्र उत्तर भारत को कांग्रेस ने नशे के कारोबार में डुबा कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 36 गुना ज्यादा मूल्य का अवैध ड्रग पकड़कर इस पर करारा प्रहार करने का काम किया है और ये 36 गुना पकड़ा गया, इसमें गुजरात में सिर्फ 3 साल के अंदर 8,500 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के कार्यकर्ता अवैध ड्रग के व्यापार में, नशीली दवाइयों के व्यापार में लिप्त हो वो पार्टी कभी भी किसी भी राज्य या देश को नशे से मुक्त नहीं कर सकती। मोदी जी ने ड्रग फ्री इंडिया का जो संकल्पना करा है, नशा मुक्त भारत का संकल्पना,